ओके, वेलकम बैक स्टूडेंट टू उपाध्याय जी क्लासेस। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे यूज कर सकते हैं लाइन ब्रेकर और प्रीटेक्स। ओके, सो मैंने अपने पहले पैराग्राफ में कोई भी एक टेक्स्ट लिख लिया, जैसे मैंने लिख लिया ओके सेम सेट है, वेलकम टू उपाध्याय जी एंड क्लासेस। ओके, सो अब इसके आगे मैंने वन लगा दिया, यानी कि मेरा पहला लाइन है। अब इसी को मैंने, इसी टेक्स्ट को मैंने कॉपी किया। ओके, यहाँ से यहाँ तक का टेक्स्ट मैंने पूरा कॉपी किया और इसको मैंने फिर से कॉपी करके मैंने इसी के आगे पेस्ट कर दिया। ओके, सो मैंने पेस्ट किया और एक बार और मैंने पेस्ट किया। सो तीन बार। अब जब मैंने सेव किया इसे और रन किया, तो ये देखो, अब ये सारे सारे एक लाइन में आ गए। अब अगर मैं इन्हें क्या करता हूँ, अलग लाइन में भी लिखने की कोशिश करता हूँ। देखो, यहाँ से मैंने एंटर किया और फिर जब मैंने ये इसे मैं सेकेंड बना देता हूँ और इसे मैं थर्ड बना देता हूँ। ओके, सो इसे मैंने थर्ड बनाया। अब जब जैसे ही मैंने, अगर यहाँ पे एंटर भी यानी लाइन भी चेंजेस की कर रखी है, तो मैंने एंटर किया और सेव किया और जब मैंने इसे रन किया, तो ये सारे सारे अभी भी देखो एक ही लाइन में आ रहे हैं। ओके, सो ये दिक्कत हो जाएगी कि ये तीनों एक लाइन में आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। तो इसके लिए, इनको लाइन चेंज करने के लिए मुझे यहाँ पे ब्रेसेस लगाने, मुझे लाइन ब्रेकर टैग लगानी पड़ती है, जिसका टैग है आपका बी आर। ओके, सो मैंने बी आर लगाया और इसे बंद किया। नीचे भी मैंने इसे बी आर लगाया एंड इसे मैंने रन किया। ओके, अब जब आपने सेव किया, तो जब रन किया, आपने रिफ्रेश किया फिर से, तो ये अलग अलग लाइन में आ गए। अब आप चाहते हो कि इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेसेस हो, जैसे क्लास सी एल के बाद काफ़ी ज़्यादा आप स्पेसेस, कई सारे आपने स्पेस दिए, उसके बाद से आपने सेव किया और जैसे ही रन किया, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कोई भी स्पेस नहीं आ पाई है। ओके, सो अब दिक्कत क्या हो जाएगी कि जैसे ही आप इसमें स्पेस देना चाहते हो या कोई भी चीज़ देना चाहते हो, जैसे मैंने इसे स्पेस सेव करके एक बार रन करके दिखा रहा हूँ मैं, तो कोई स्पेस नहीं आई। तो इन सारी कंडीशन को डील करने के लिए इन सबसे बेटर एक मैं यूज़ करता हूँ। ओके, ये तो मैंने हेडिंग में यूज़ कर लिया, ये मैं जब यहाँ यूज़ आपको करके दिखा, तो देखो कई सारे स्पेस किया और मैंने सेव किया और जैसे ही मैंने इसे रन करने की कोशिश की, तो सिर्फ और सिर्फ मुझे एक यहाँ स्पेस दिख रही है। एक स्पेस क्यों दिख रही है, तो आप इस सारी चीज़ों से डील करने के लिए मैंने जितना स्पेस दिया उतनी स्पेस मुझे मिले, तो मैं बी आर टैग ना यूज़ करके मैं एक सिंपल सा टैग हर बार यूज़ करूँगा, वो होगा प्री टैग। ओके, सो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने यहाँ से पी आर टैग को पहले ही क्लोज कर दिया और ये जा करके मैंने जब यहाँ से स्टार्ट की प्री टैग को, तो मैंने पी आर ई टैग लिखा। इससे क्या होगा, जैसे ही आप कंटेंट लिख रहे हो वैसे ही शो होगा। सो मैंने इसे सेव किया और रन किया, तो देखो अलग अलग लाइन में ये शो हुआ। अब अगर मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेस देना चाहता हूँ यहाँ पे, तो मैंने कैसे भी ज़्यादा स्पेस दे दिया, मैंने सेव किया और फिर से इसे रन किया, तो यहाँ देखो जितनी स्पेस दी थी मैंने उतनी ज़्यादा स्पेस आई है। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें जितना ज़्यादा हो सके। कमेंट के जरिए आप पहुँचा सकते हैं कि क्या और मॉडिफिकेशन मैं इस पर कर सकता हूँ। ओके, थैंक यू।